सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सक्लूसिव स्टॉक से ब्रांड न्यू कंडीशन की BMW। कार इज 4x4, ऑर्डिनरी 4x4 नहीं है, ये स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन 4x4 कार है। के लिए आपको मिलते हैं सन ब्लाइंड्स, मिल जाते हैं विच आर यूज एज योर प्राइवेसी कर्टेन, सॉफ्ट टच मिल जाएगा यहाँ पे, एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी, सो यू कैन एंजॉय योर लॉन्ग ड्राइव, यू कैन एंजॉय योर शॉर्ट ड्राइव। सो BMW इज ऑल अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सत श्री अकाल व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहिबा फ्रॉम TCM दिल्ली, वेलकम टू आर अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सक्लूसिव स्टॉक से ब्रांड न्यू कंडीशन की BMW। गाड़ी है तो प्री ओन्ड लेकिन नई से कम नहीं है, और आप नई गाड़ी से बहुत पैसे बचाने वाले हो क्योंकि ये आज आपको TCM दिल्ली पे बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलने वाली है। सो गोइंग फॉरवर्ड गाड़ी की कंडीशन की बात करते हैं, स्क्रैचलेस कंडीशन है, नॉन एक्सीडेंटल कार है, विद सर्विस रिकॉर्ड आपको मिलने वाली है ये वाली गाड़ी। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं BMW LED एडेप्टिव लैम्प, जिसमें आपको इनर DRLs मिल जाते हैं, देन रनिंग इंडिकेटर मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गोइंग फॉरवर्ड हम बात करें बम्पर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं फॉग लैम्प्स विच आर LED फॉग लैम्प्स, और यहाँ पे आपको क्रोम बेडिंग मिलती है, सेंसर मिल जाता है। दिस इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक प्लेट, ये कंप्लीट हाउसिंग बिल्टअप करी गई है सेंसर सपोर्ट के लिए। देन आपको नंबर प्लेट का पोर्शन मिल जाता है, यहाँ पे अगेन दो सेंसर्स मिलेंगे फ्रंट में आपको, नीचे आपको स्मॉल ग्रिल मिलेगी जिसमें आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाती है। बात करते हैं हम अब साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल में सबसे पहले देखेंगे आपको गाड़ी की लेंथ दिखती है, काफ़ी अच्छी लेंथ कर दी गई है गाड़ी की प्रीवियस मॉडल से। एंड हम साइड लुक में बात करें तो आपको स्टैगर्ड अलॉयज मिल जाते हैं, जिसमें आपको 19 इंचीज एलेंजा ब्रिजस्टोन टायर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है वेंट मिल जाता है जिसके ऊपर आपको मिल जाती है क्रोम लाइनिंग। देन साइड ORVM की बात करें, साइड ORVM में आपको यहाँ पे रनिंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और बात करते हैं हम गाड़ी के डोर फ्रेम्स की, डोर फ्रेम्स में आपको क्रोम बेडिंग मिलती है जो कि आप ऑल ओवर देखोगे, ऐसी फ्रेमिंग दे रही है जो कि इसकी लुक और एनहांस हो रही है। यहाँ पे आपको स्कर्टिंग्स भी क्रोम वर्क मिल जाता है। देन हम आते हैं रेयर लुक पे, तो बात करते हैं अब रेयर लुक की। रेयर लुक में ना BMW खास है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपको इसके LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, एंड X3 ऑब्वियसली X3 है, X3 का लोगो मिलेगा आपको, BMW का लोगो मिलेगा यहाँ पे। देन ट्विन एग्जॉस्ट है ये गाड़ी, और बात करते हैं यहाँ पे अगेन, अच्छा आपने नोटिस करा होगा मैंने क्रोम वर्ड का ना बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, क्यों गाड़ी में ना स्मार्टली क्रोम वर्क का इतना यूज़ हुआ है ना कि वो उसकी लुक को और एनहांस कर रहा है। यहाँ पे आपको एक्स ड्राइव 20D का लोगो मिल जाता है, 20D मीन्स कार 2 लीटर डीजल इंजन है, एक्स ड्राइव द कार इज़ 4x4, ऑर्डिनरी 4x4 नहीं है, ये स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन 4x4 कार है। सो थोड़ा सा अगर इस इन्फॉर्मेशन के इनडेप्थ में जाएंगे ना, तो स्मार्ट 4x4 का मतलब ये है कि गाड़ी में जो चारों टायर हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स गाड़ी नॉर्मल पेट्रोल में गई है तो जो टायर बेसिकली पेट्रोल में गया होगा ना उसमें पावर कम हो जाएगी, और बाकी तीनों टायर्स में पावर बढ़ जाएगी, सो दैट आप गाड़ी अपनी गो थ्रू कर सकें। सो बात करते हैं अब इसकी रियर रो की, तो रियर रो में आपको काफ़ी अच्छा लेगरूम मिल जाता है, हेडरूम मिल जाता है आपको, विच इज़ लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग ट्रेवल, आपको थकान नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए आर्मरेस्ट है जिसमें आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। देन हम फोल्ड करते हैं आर्मरेस्ट को, है तो ये 5 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मिडिल सीट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहने वाली है, लेकिन हम बात करते हैं नॉर्मल सीट्स की तो बहुत कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेयर की, तो यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, AC कंट्रोल मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको दो चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेयर रो लेग रूम. और बात करते हैं आप यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन में इंटीरियर मिलता है. यहाँ पे देखो हम डोर की बात करेंगे तो आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी. देन एज इट्स एक्स सीरीज फ्रॉम द BMW, तो यहाँ पे आपको एक्स की बैजिंग मिल जाती है. ये आपका विंडो कंट्रोल है. देन आपकी प्राइवेसी के लिए आपको मिलते हैं सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं विच आर यूज एज योर प्राइवेसी कर्टन्स. और बहुत ज़्यादा सनी डे है तो यू कैन यूज़ योर ब्लाइंड्स ऑल्सो. तो बात करते हैं इसके बूट स्पेस की. सो जैसे कि मैंने बताया कि अब बात करनी है हमने बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस यार काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज हम एक कार लेते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू ट्रेवल, वी हैव टू कैरी आर स्टफ. तो अब इसका बूट जो है ऑटोमेटिकली ओपन होता है फ्रॉम द की एज वेल एज फ्रॉम द बटन हियर. तो यहाँ पे आपको तकरीबन ना 450 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है. यहाँ पे अगर हम बूट में देखें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग प्लग मिल जाता है जो कि इंसुलेटर के लिए दिया हुआ है. और यहाँ पे लिवर मिलता है सो दैट यू कैन क्लोज द सीट्स. मैं आपको दिखाती हूँ, यू कैन फोल्ड द सीट्स फ्रॉम हियर. और ये आपको लगेज कर्टन मिल जाता है कि आपने कुछ एक्सपेंसिव अपना लगेज रखा है आप उसे कवर कर सकते हो, आपका लगेज मतलब जंप ना हो अगर आप किसी पेट्रोल्स में जा रहे हो तो यू कैन यूज़ दिस. तो ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो. सो अब आते हैं हम फ्रंट रो पे. फ्रंट रो पे यार देखो हम जब भी बात करते हैं गाड़ी की तो ड्राइविंग प्लेजर क्या है उस गाड़ी का वो हमें देखना होता है. तो इसीलिए हम जाते हैं यहाँ पे, आपको रिक्वेस्ट इंडिकेटर मिल जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट सीट विच इज़ द मेन ड्राइवर सीट ऑफ द कार. हम बात करते हैं ड्राइविंग कम्फर्ट की, तो कार पावरफुल तो है उसके साथ कम्फर्टेबल भी है. मैंने जैसे आपको रियर सीट की सिटिंग कन्फिग्रेशन दिखाई कि 5-seater है. मिडल में देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको नहीं इतना कम्फर्ट मिलने वाला, लेकिन अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल सीट्स की बात करें तो बहुत कम्फर्टेबल है, जो कि तो लॉन्ग रन के लिए बहुत कम्फर्टेबल रहने वाली है. एज BMW नोन एज द सेल्फ ड्रिवन कार, तो आप इसकी ड्राइव इन्जॉय करने वाले हो. गोइंग फॉरवर्ड बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे आपको लेदर कोटेड स्टेयरिंग मिल जाता है. यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर कंट्रोल्स मिलते हैं. देन आपको स्टेयरिंग कंट्रोल मिल जाता है विद सिल्वर फिनिश, जिसमें आपको इसके क्रूज कंट्रोल और लिमिट कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं, वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड बटन मिल जाता है स्टेयरिंग पे. तो अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे. तो काफ़ी अच्छी और बड़ी आपको टच स्क्रीन मिलती है यहाँ पे. अगर हम जाएं यू कैन कंट्रोल द मीडिया, यू कैन कनेक्ट योर डिवाइसेस, यू कैन डू द स्क्रीन मिररिंग. इसमें एंड्रॉयड प्ले नहीं मिलता आपको, एप्पल कार प्ले मिल जाता है. और अब बात करते हैं, ये तो था इसकी स्क्रीन. और सच्ची बताऊँ इसकी ना स्क्रीन बहुत स्मूथ है. यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रेडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बैंड कंट्रोल्स हैं यहाँ पे. देन एसी वेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एसी के सारे कंट्रोल्स हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है. देन अब बात करते हैं इसके गियर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको ना क्लस्टर फ्री कंसोल मिलता है, जिसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है. यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं, ठीक है, यू कैन ऑपरेट योर नेविगेशन फ्रॉम हियर. देन आप यहाँ पे सारे मतलब इंफोटेनमेंट कंट्रोल है. और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्मार्ट जॉयस्टिक गियर लिवर मिल जाता है. देन ऑटो होल्ड का बटन है यहाँ पे, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है. देन यहाँ पे पार्क असिस्ट का भी बटन मिल जाता है. यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं. देन गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट है यार लॉन्ग रन में है, वी आर शॉर्ट विद द फोन बैटरीज, तो उसके लिए मेन पार्ट है आजकल ऑलमोस्ट आपको हर गाड़ी में मिलेगा, जो कि है वायरलेस चार्जर. यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, आपको लाइटर मिल जाता है, यहाँ पे अगेन ट्विन ग्लास होल्डर मिल जाते हैं. तो आप इसका अगर कंसोल की बात करोगे ना, मैट फिनिंग कंसोल है जो कि बहुत अच्छा लुक देता है, X3 की बैजिंग देता है. अच्छा गाड़ी में ना आपने कई जगह नोटिस करा होगा एक्स की बैजिंग है, X3 की बैजिंग है, जो कि वेरी कूल लुक दे रही है, आप इरिटेट नहीं होने वाले उससे. देन अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की. यार मेरी ना हर वीडियो में आपने सुना होगा साहिबा बोलती है कि म्यूज़िक इज़ द ओनली थिंग जो आपको काम करता है, रिलैक्स करता है लॉन्ग रन ड्राइव्स पे, शॉर्ट रन ड्राइव्स पे. तो यहाँ पे आपको क्वालिटी हर्मन गार्डन सिस्टम मिलता है, नॉट एन ऑर्डनरी BMW मल्टीमीडिया नहीं मिलेगा इसमें, हर्मन गार्डन मिलेगा. देन अब बात करते हैं इसके रूफ लाइट्स की, तो रूफ लाइट्स में बड़ी स्मार्ट लाइट्स आपको मिलने वाली हैं. आप चेक करोगे ये बटन्स, यू कैन कंट्रोल द लाइट्स. देन आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाता है, काफ़ी मैसिव सनरूफ मिलने वाला है, वन टच ब्लाइंड ओपन.
आपने ग्लास टॉप में चलानी है, आप ग्लास टॉप में चला सकते हैं गाड़ी, या आपने सनरूफ खोल के चलानी है तो दिस मच ऑफ पार्ट विल गेट ओपन. सो जैसे कि आप देख रहे हो ये इतना ही पार्ट ओपन होगा. सो यू कैन एन्जॉय योर लॉन्ग ड्राइव, यू कैन एन्जॉय योर शॉर्ट ड्राइव. सो BMW इज ऑल अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. सो अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स होल्डिंग स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है. यू कैन कीप योर वॉलेट, फ़ोन, एनीथिंग यू वांट टू कीप. देन हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन पावर की और सेफ्टी. सेफ्टी वाइज बात करें तो कि हर कंपनी की देखो रिकमेंडेशन होती है सेफ्टी फीचर्स के लिए, कि टायर्स कौन से यूज़ होने चाहिए, देन कितने एयरबैग्स होने चाहिए. बात करते हैं गाड़ी के एयरबैग्स की, 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं. देन उसके अलावा हम बात करते हैं गाड़ी के टायर्स की, आपको एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू कंडीशन के टायर्स मिलते हैं 19 इंचेस, जो कि मैंने आपको रियर प्रोफाइल में दिखाए थे. अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की. सो गोइंग फॉरवर्ड फॉर द इंजन ऑफ द कार, तो उसके लिए सबसे पहले हमें हुड ओपन करना पड़ेगा. तो यहाँ से हम हुड ओपन करते हैं कार का, जस्ट डबल क्लिक, इट्स ईजी टू गो. एंड यहाँ पे कोई क्लच नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली आपने ओपन करना है. अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है ट्विन टर्बो पावर इंजन मिल जाता है गाड़ी का, विच इज़ 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन, और गाड़ी की 190 BHP मिल जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 400 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है. तो आप गाड़ी देखो बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में है, कहीं पे कोई डैमेज नहीं है, कोई सील ब्रेक इन नहीं है. तो इट वॉज ऑल अबाउट द कार. ये तो थी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन. अब बात करते हैं गाड़ी के डिटेल्स की. तो जो आज आपको प्रोडक्ट दिखाया है, दिस इज़ BMW X320D लग्जरी लाइन, विच इज़ अ डीजल वेरिएंट. नई गाड़ी की बात करते हैं, तकरीबन आपको मिलती है 82 लाख की. तो आज हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं ये है 2021 मॉडल. कार चली कुछ नहीं है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 19-20,000 चली है विद सर्विस हिस्ट्री. सिंगल ओनर रहने वाली है, द कार इज़ विद अ फैंसी नंबर, UP नंबर रहने वाला है. एंड इसकी डील आपको TCM दिल्ली पे मिलने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख की, जो कि नेगोशिएबल रहने वाला है. और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया रेड बटन को क्लिक कीजिए, हिट द बेल बटन, और जल्दी से जल्दी TCM फैमिली से जुड़ जाओ ताकि और आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने को मिलती रहे. टिल देन साइनिंग ऑफ, थैंक यू.